प्रणाम और सहृदय आप सभी का अभिवादन। चैनल है वह शांति दर्शन, जिसके माध्यम से हम आपके लिए विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से जुड़े हुए वीडियोस का निर्माण करते हैं। चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथा कराड़ जी को। काफी समय से मैं आपको सुना रहा हूं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां, तो अब प्रस्तुत है आज की कहानी। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्राचीन काल में स्वेतिकी नाम का एक प्रतापी राजा था। वो अनेक यज्ञ करके पुण्य कमाना चाहता था। उसके राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों का निरंतर प्रवाह होता रहा, फिर भी राजा संतुष्ट नहीं था। वो अब की बार एक ऐसा यज्ञ करना चाहता था जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ हो। दुर्भाग्य से राजा द्वारा नियुक्त सभी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण राजा के यज्ञों के निरंतर अनुष्ठानों से थक चुके थे। यज्ञ की आग से निकलने वाले धुएं से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। फलस्वरूप ये राजा को छोड़कर चले गए। राजा ने चारों ओर उपयुक्त ब्राह्मणों की तलाश भी की, लेकिन उन्हें अनुष्ठान कराने वाला कोई नहीं मिला। राजा फिर उन ब्राह्मणों के निवास पर पुनः गए जो उन्हें छोड़कर आए थे। राजा ने कहा, यदि मैं एक अधर्मी शासक होता जो शास्त्रों में बताए गए व्रतों का पालन नहीं करता, विश्व की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करता, तो फिर मैंने ये यज्ञ आयोजित नहीं किए होते। एक राजा होने के नाते जो मेरा कर्तव्य था मैंने किया है। आप सबका यज्ञ को करने से इनकार करना उचित नहीं है। आप सब मेरे राज्य में वापस आइए और इस 100 साल के यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, आपके यज्ञ तो निरंतर होते रहते हैं। हर चीज में विधि और संयम होना चाहिए। इन यज्ञों के आयोजन के कारण यज्ञ के धुएं से हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। आगे की सहायता के लिए महाराज आप किसी और को खोजें, हमारे बस का नहीं है। तब राजा ने निर्णय लिया कि केवल भगवान शंकर ही यज्ञ को पूरा कराने में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए राजा कैलाश पर्वत की तलहटी में चले गए और शिव जी की तपस्या करने लगे। राजा ने 6 महीने तक मात्र फल और मूल खाकर कठोर तपस्या की। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सम्मुख प्रकट हुए। राजा ने शिव जी को यज्ञ करने के लिए कहा कि वे उनके साथ चलें। तब शिव जी ने कहा, मैं स्वयं यज्ञ का संचालन नहीं कर सकता। इन अनुष्ठानों का संचालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। पृथ्वी लोक में दुर्वासा नाम का एक ब्राह्मण है, एक ऋषि है, जिसके पास मेरी ऊर्जा का एक अंश है। राजन, यदि 12 वर्षों तक बिना रुके पवित्र अग्नि में यज्ञ की आहुतियां डालने का वचन दोगे तो मैं अपने इस भक्त को इस यज्ञ में तुम्हारी सहायता करने का निर्देश दूंगा। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मुझे इस यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने के लिए बस कुछ समय दे दीजिए। और फिर राजा ने कुछ ही दिनों में यज्ञ मंडप का निर्माण करके उसके लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली। फिर उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ के लिए ऋषि दुर्वासा के आने की प्रार्थना की। शिव जी दुर्वासा के सामने प्रकट हुए और कहा, स्वेतकी नाम का एक राजा है जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वो एक महान यज्ञ के आयोजन में मेरी सहायता चाहता है। मैंने उससे वादा किया है कि आप इसके ऋत्विक और यज्ञ के पुरोहित होंगे, अतः उसके पास जाकर यज्ञ सुनिश्चित कीजिए। तदनुसार ऋषि दुर्वासा राजा स्वेतकी के पास गए और यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। शंकर भगवान से किए गए अपने वादे के अनुसार राजा स्वेतकी 12 वर्षों तक लगातार यज्ञ की अग्नि में बिना रुके घी डालते रहे। जाहिर है यज्ञ बहुत सफल रहा। जब समय आया तो राजा की मृत्यु हुई और वो अपने पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग चले गए। लेकिन राजा के द्वारा किए गए इस लंबे यज्ञ ने एक समस्या पैदा कर दी। 12 वर्षों तक यज्ञ में लगातार घी ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप अग्निदेव पूरी तरह से तृप्त हो गए थे। वे किसी अन्य यज्ञ में दोबारा किसी के घी या किसी का मक्खन का पान नहीं करना चाहते थे। इस अतिरेक के परिणाम स्वरूप अग्निदेव पीले पड़ गए और अपनी सुनहरी चमक खो बैठे। अग्निदेव के बीमार होने से बाकी सृष्टि भी पीड़ित हुई, क्योंकि वे सभी प्राणियों के भीतर ऊर्जा का संचार जो करते हैं। अग्निदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहा, हे प्रभु, मैं 12 वर्षों तक राजा स्वेतकी के हाथों से घी पीने के कारण बीमार हो गया हूं। मैं अपनी पिछली शक्ति और ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा,
हे अग्निदेव, डरो मत, मैं तुम्हारी बीमारी के लिए एक उपयुक्त औषधि जानता हूँ। पृथ्वी लोक पर खांडव वन देवताओं के शत्रुओं का निवास स्थान बन गया है। वहाँ के राक्षसों, नागों, सांपों और अन्य प्राणियों की चर्बी ही तुम्हारी औषधि होगी। तुम इस जंगल के सभी प्राणियों को जलाकर राख कर दो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। महाभारत में कहा गया है कि इंद्र खांडव वन के रक्षक देवता थे। यही वजह है कि इस क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। अग्निदेव ने तुरंत खांडव वन की ओर प्रस्थान किया और उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन इंद्र और वायुदेव ने लगातार बारिश और हवा से अग्निदेव के सारे प्रयासों को विफल कर दिया, क्योंकि उस जंगल के कुछ निवासी इंद्र और वायु के मित्र थे। अग्निदेव ने देखा कि उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अब मदद की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने खांडव वन को जलाने में श्री कृष्ण और अर्जुन की मदद लेने का फैसला किया। क्या श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की मदद की? क्या पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक अपनी राजधानी बनाने के लिए इस वन को साफ किया था? इस पूरे कांड का पता चलेगा अगले एपिसोड में। देखते रहिए महाभारत की अनकही और अनसुनी कहानियां। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्रांति दर्शन से।